नमस्कार दोस्तों, एवी ट्रेवल एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट पंकज सिंह। हम फिलहाल बाबा केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ सामने माउंटेन है, बर्फ काफी जमी हुई है, पीछे बाबा केदारनाथ का है। इस वीडियो के अंदर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि बाबा केदारनाथ धाम यहाँ तक पहुँचने में आपको कितनी परेशानी होने वाली है और कितना समय लगता है और खाने की क्या सुविधा होगी, रहने की क्या सुविधा होगी। टोटल आपको इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो में बने रहे और आगे की यात्रा ही हम इंजॉय करते हैं और आपको भी यहाँ के थोड़े से व्यू दिखाते हैं। आप पीछे जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर जब 17 जून 2013 को जब यहाँ पर प्रलय आई थी तो इधर बैक साइड से सारा पानी आता तो सारा बहकर चले गया था। यहाँ पर आकर ये एक बड़ी शिला है जो पीछे, ये जो भीम शिला है यहाँ से पीछे से बहकर आई थी और मंदिर के बैक साइड में रुक गई थी, जिससे पानी की धारा दोनों तरफ हो गई थी। केवल मंदिर बचा था, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं बचा था, बाकी सब फ्लैट हो गया था। धीरे धीरे कर यहाँ पर 10 साल होने वाले हैं और धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। इधर आप यहाँ पर टेंट लगाकर भी, सेपरेट टेंट लगाकर भी आप यहाँ पर रह सकते हैं। आप फिलहाल देख सकते हैं, हम यात्रा करते हुए गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। गौरीकुंड से आगे की यात्रा आपको पैदल ट्रैक द्वारा करनी होती है। यहाँ पर यात्रा के लिए एक दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप अपनी यात्रा या तो पिट्ठू द्वारा भी कर सकते हैं, पालकी द्वारा कर सकते हैं, या आप घोड़े खच्चर द्वारा कर सकते हैं। अगर आप इस पिट्ठू के द्वारा यात्रा करते हैं तो आपसे करीबन एक साइड के जाने के ही 12 से 15 हज़ार रुपये चार्ज किए जाते हैं। अगर आप अपनी यात्रा घोड़े के द्वारा करते हैं तो आपसे करीबन 8,000 से लेकर 10,000 तक चार्ज किए जाते हैं। अगर आप अपनी यात्रा पालकी द्वारा करते हैं तो आपसे 15,000 प्लस ही चार्ज किए जाते हैं। हम यह यात्रा पैदल करेंगे और आपको भी लेकर चलते हैं और यात्रा के दौरान होने वाली सभी तरह की परेशानियां आपको दिखाएंगे एवं सभी तरह की सुविधा भी आपको दिखाएंगे। अभी करीबन दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। हमने पिट्ठू वाले भैया से बात किया, अगर आप सामान ले जाते हैं तो सामान के करीबन आपसे आने जाने के 4,500 या 5,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं एक बैग के। अगर आपके पास दो बैग होते हैं, वजन के अकॉर्डिंग रेट बढ़ता घटता रहता है। आइए हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं और अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। गौरीकुंड में आपको नाइट स्टे करने के लिए काफ़ी सारे रूम एवं डोरमेंट्री की फैसिलिटी भी देखने को मिल सकती है। आप कोशिश करें कि जब आप उधर से आते हैं तो आप सोनप्रयाग से करीबन 25-30 किलोमीटर पहले ही नाइट स्टे करें, क्योंकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड में नाइट स्टे करने के लिए होटल आपको काफ़ी कॉस्टली देखने को मिलते हैं। हमने गौरीकुंड में ही खाना खाया। खाने की कॉस्ट अगर यहाँ पर बात की जाए तो आपको थाली मिलेगी 200 रुपये में, अगर पानी की बोतल लेते हैं तो आपको 50 रुपये में पानी की बोतल मिलेगी। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ लेते हैं तो उसके पैसे आपको अलग से देने होते हैं। खाने की बात की जाए तो गौरीकुंड में भी आपको ठीक ठाक रेट में मिल जाता है, क्योंकि हम अभी काफ़ी हाइट पर है तो यहाँ पर सामान पहुँचाने में काफ़ी खर्च हो जाता है। आप सामने देख रहे हैं, यहीं से ही एंट्री होकर हम सीधे आगे की अपनी ट्रैक पैदल ट्रैक करते हुए यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से आगे की यात्रा आप घोड़े खच्चर द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको घोड़े खच्चर की फैसिलिटी काफ़ी देखने को मिलेगी। जितने आप यात्रा में घोड़े खच्चर है उतने ही आदमी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी परेशानी आपको होगी घोड़े खच्चर से, क्योंकि उसी रूट पर पैदल यात्री चल रही है, उसी रूट पर घोड़े खच्चर वाले चल रहे हैं। रास्ते के बीच काफ़ी सुंदर देखने को आपको मिलेंगे, ऐसा मन करेगा कि आप जगह जगह बैठे और इन व्यूज को एंजॉय करें। खाने पीने की बात की जाए तो रास्ते में भी आपको खाने पीने के कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। गौरीकुंड से जैसे ही आप 1 किलोमीटर आगे चलते हैं तो 1 किलोमीटर आगे से ही जहाँ गेट था वहाँ से सीधी खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। आप अगर 5 मिनट चलेंगे तो धीरे धीरे कर ऐसा लगता है जैसे आपके सांस फूलने लग गए हैं। आप कोशिश करें कि थोड़ी देर चले 5-10 मिनट, फिर रेस्ट करें 1-2 मिनट का, फिर चले फिर रेस्ट करें 1-2 मिनट का। ऐसे ही आप पूरी यात्रा इंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एकदम से खड़ी चढ़ाई है और हम ऐसे ही यात्रा कर रहे हैं।
अगर आपने अभी तक इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या ऊपर आप आई बटन में भी क्लिक कर कर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं खड़ी चढ़ाई है, हमने एक बैग ले रखा है लेकिन बैग ले जाने में भी काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। इसमें हमारे ज़रूरत का सामान है क्योंकि ऊपर ठंड होती है तो जैकेट वगैरह हमने बैग में डाल रखी है। अगर पानी की बोतल की बात की जाए तो आप एक बोतल नीचे से ही कैरी कर कर चले क्योंकि ऊपर पानी की बोतल की जो कॉस्ट है वो भी आपको थोड़ी हाई ही देखने को मिलती है। हमने यहाँ पर लोकल से फाइंड आउट किया है कि पैदल यात्रा करते समय आपको आराम से 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। आप आराम से जाते हैं, अगर आप फास्ट जाते हैं तो 10 घंटे में आप जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर आप घोड़े खच्चर के द्वारा जाते हैं तो आपको 8 से 9 घंटे आराम से लग जाते हैं। अगर आप पिट्टू या पालकी द्वारा जाते हैं तो पिट्टू पालकी द्वारा भी आपको 12 घंटे। आप देख सकते हैं अभी घोड़े खच्चर वालों की लाइन लग चुकी है। लाइन से ही आपको पैदल यात्रा करनी होती है, काफ़ी सावधानी के साथ यात्रा करनी होती है क्योंकि रास्ता काफ़ी नैरो है और नैरो रास्ते पर आप खच्चर के साथ में ही यात्रा करते हैं। अभी मौसम थोड़ा सही है लेकिन मौसम का कुछ पता नहीं, यहाँ पर हर घंटे में मौसम चेंज होता रहता है। कभी बरसात हो जाती है तो कभी छांव आ जाती है, कभी धूप निकलती रहती है। हमने घोड़े वाले से फाइंड आउट किया है आप घोड़े खच्चर को आधे रास्ते तक भी कर सकते हैं। आधे रास्ते तक घोड़े की जो कॉस्ट होती है 4 से 5 हज़ार रुपये आपसे लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कम से कम हम 3 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर, रास्ता बहुत ही ख़राब है, घोड़े खच्चर चल रहे हैं। एक बुरी बात यह है कि खच्चर भी इसी लाइन में, घोड़े भी इसी लाइन में और पैदल यात्री भी एक ही लाइन में चल रहे हैं। आइए मैं आपको थोड़े से खराब रास्ते के व्यूज दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर लोकल से फाइंड आउट किया है कि जब बरसात हो जाती है तो यहाँ पर काफ़ी कीचड़ हो जाता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि घोड़ा स्लिप होकर या यात्री भी स्लिप होकर गिर जाते हैं और किसी को चोट वगैरह भी थोड़ी बहुत ही आ जाती है। तो आपको यात्रा करते समय इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको या अगर बरसात हो रही है तो काफ़ी सावधानी से यात्रा करनी है। एक साइड में आपको धीरे धीरे यात्रा करते हुए धीरे धीरे जाना है और दूसरी साइड में घोड़ों के लिए छोड़ देना है क्योंकि घोड़े के एकदम से ब्रेक भी नहीं लग पाते और सीधे घोड़े स्लिप हो जाते हैं और गिर भी सकते हैं। 16 घंटे जाना है, करीबन एक किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 40 मिनट के लगभग लगी। रास्ता काफ़ी ख़राब है, आधे रास्ते में खच्चर चल रहे हैं, पैदल चलने वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है और जगह जगह पर आप देख सकते हैं रास्ता भी टूटा हुआ है, फिसलने की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आप देखें घोड़े एकदम से आते हैं, घोड़ों की बात की जाए तो ऐसा लगता है जैसे लाखों की संख्या में यहाँ घोड़े रखे गए हैं यात्रियों के लिए। पूरे रास्ते पर आपको घोड़े ज़्यादा नज़र आएंगे, यात्री कम। आइए भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं और आगे की यात्रा अपनी शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर मंदिर के पास में आटा कैसे ले जाया जाता है। इस आटे का वजन 50 किलो है, हमने इससे फाइंड आउट किया है इसे वहां तक पहुंचाने में करीबन 4000 के लगभग चार्ज किए जाते हैं। आप देख सकते हैं 50 किलो का आटा मंदिर तक पहुँचाने के लिए 4000 रुपये लग जाते हैं। अगर यही आटा आप प्लेन में कहीं पर भी ले जाते हैं तो बहुत कम चार्ज लगता है, इसलिए मंदिर के पास में खाने पीने की चीजों की कॉस्ट काफी हाई देखने को मिलती है। केदारनाथ की धाम की यात्रा करते समय आपको सबसे जरूरी जो बात ध्यान रखनी है केवल यही रखनी है, अगर आप पैदल चलने में माहिर है तभी आप इस यात्रा को करने का प्लान बनाएं क्योंकि अगर आप घोड़े खच्चर का बीच में सहारा लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मोटा खर्चा करना पड़ सकता है क्योंकि पैदल चलने वाले ही इस यात्रा को अच्छे से इंजॉय एवं अपनी यात्रा सफल बना पाते हैं, नहीं तो काफ़ी लोगों की हिम्मत टूट जाती है कुछ किलोमीटर चलकर और वो घोड़े खच्चर का सहारा लेते हैं। 1 किलोमीटर 1 घंटे में 1 किलोमीटर का सफर तय करके आ चुके हैं। सामान देखो कैसे ले जा रहा है, 16 किलोमीटर जाना है कि लगभग 16 घंटे का समय लगना निश्चित है। अब किसी तरह भोले के दरबार में जा रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं। लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक के इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे वो देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन